दो तरह के स्क्र नंबर्स होते हैं मतलब कि दो तरह के एक्चुअली नंबर होते हैं पहला एक जो परफेक्ट स्क्वेयर होते हैं और एक नंबर्स जो होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते केवल दो तरह के नंबर्स होते हैं तो

नंबर को सेपरेट करना है ठीक है इन सभी नंबर्स में से ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसको हम बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर और ये सारे के सारे जो हैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ओके okay. ओके। mm, okay. पहली बार फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट तो पहले हम क्या करेंगे लॉन्ग डिविजन मेथड से पहले इसका वो करेंगे और लॉन्ग डिविजन मेथड से स्टार्ट करेंगे और लास्ट में देखेंगे रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा डेफिनेटली अब जीरो की जगह पे क्या आ रहा है वही चेक करना है आपको मतलब कि इसमें जब सपरेट करना हो तब ठीक है एकदम ध्यान दीजिएगा तो वी लेंगे वी हैव हमारे पास नंबर है टू थ्री टू थ्री सिक्स वन अब यहाँ पेयर बना लिए और यहाँ पे बना लिए पेयर अब ट्वेंटी थ्री में ले जाना है तो हम जानते हैं कि से जाएगा फोर से जाएगा बिल्कुल फोर फोर या सिक्सटीन सिक्सटीन लीजिए माइनस कर दीजिए मिलेगा आपको सेवन और सिक्सटी वन यहाँ पे फिर से हमने यहाँ पर ले लिया अब ये फोर फोर क्या हो जाएगा एट हो जाएगा अब एट से चेक करिए कि सेवेंटी सिक्स कितने में जाएगा तो एट एट जा सिक्सटी फोर होता है और एट नाइन जै सेवेंटी टू होता है तो नाइन बार ले जाने में चला जाएगा या नहीं जाएगा चेक कर लेते हैं एक बार नाइन से ले जाएंगे तो कितना जाएं? जा जाएगा नाइन अंजा एट्टी वन का वन हो जाएगा एट करीवर एंड नाइन एट जो सेवनटी टू सेवनटी टू एंड एट एट्टी हो जाएगा और एट्टी हो जाएगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा देखिए एट तो दे तो एड दे वन जो है सेवन एंड सिक्सटी वन से ज्यादा है तो हम इसमें सप्ट्रेक्ट करने की जगह पे जब भी सप्ट्रेट करने के बारे में बात करेगा तो हम एक हमेशा लेस ले जाएंगे मतलब जैसे यूजुअली हम करते हैं लॉन्ग डिजन मेथड में वैसा ही करेंगे ठीक है तो हम इसमें ले जाएंगे एट टाइम्स ताकि हमारा ये कैंसिल आउट मतलब इसे लेस आ जाए से तो टाइम्स ले जाएंगे देखिए क्या आएगा 8 and 64 का 4 हो गया 6 8 and 64, 64 and 6, 70. अब यहाँ माइनस करेंगे तो मिलेगा देखिए इलेवन में से फोर जगह क्या होगा सेवन और यहाँ फाइव बचा फिफ्टी सेवन अब यहाँ पे जीरो कट गया अब देखिए यहाँ पर अब नहीं जा पाएगा क्योंकि अब यहाँ पे ऐड कर लेते हैं क्या मिलेगा सिक्स और नाइन सिक्स अब यहाँ पे अब नहीं जा पाएगा और यहाँ से उतारने के लिए कोई दूसरे जो है पेयर भी नहीं है तो फिफ्टी सेवन फिफ्टी सेवन क्या है यहाँ पर फिफ्टी सेवन इज द रिमाइंडर अब ये रिमाइंडर बच गया इसीलिए कहा जा रहा है कि ट्वेंटी टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड सिक्सटी वन क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो अब इसमें क्या सेपरेट करना पड़ेगा तो ये जो रिमाइंडर आ रहा है इसी को हमें सेपरेट करना पड़ेगा इस नंबर में से तभी ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर होगा क्योंकि जब इसको हम सेपरेट कर देंगे इसमें से तो लास्ट में रिमाइंडर जीरे धीरे बचना लगेगा तो बस यही कांसेप्ट है हमारा है तो यहां पे ले लेंगे क्लियरली वी नीड टू सब्ट्रैक्ट वी नीड टू सब्ट्रैक्ट फिफ्टी सेवन फ्रॉम दी नंबर 2,361 थाउजेंड थ्री हंड्रेड सिक्सटी वन टू गेट टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर ठीक है तो यहां पर देखिए यहां तो सपरेट करके हम फिफ्टी सेवन लेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा हमें एक्चुअली क्या निकालना है वही लिस्ट नंबर फाइंड करना है द लिस्ट नंबर जो सपरेट करना पड़ेगा तो यहां पर यही नंबर जो है 57 यही वो लिस्ट नंबर है So, लिख लेंगे सो सो द लिस्ट नंबर इज सो लिस्ट नंबर इज फिफ्टी सेवन तो यही आपका आंसर है एक्चुअली क्योंकि वही बोला है कि लिस्ट नंबर क्या होना चाहिए तो बस ये जो रिमाइंडर बचेगा वही हो जाएगा आंसर अब यहां पर कुछ और भी चीजें हम लोग जान लेते हैं अब ये यदि माइनस कर दे हम इसमें तो क्या नंबर मिलेगा टू थ्री सिक्स में से यदि माइनस कर दें फिफ्टी सेवन तो देखते हैं ये नंबर क्या मिलेगी यहाँ इलेवन हो जाएगा इलेवन सेवन हो जाएगा फोर यहाँ हो जाएगा फाइव जीरो और ये टू थ्री 23. मीन्स टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर अब ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर है तो किसका है यहाँ से फाइंड कर सकते हैं देखिए पहली बार गया था फोर से तो फोर रखिए और दूसरी बार गया था कम से कम कितना से एट से एट से रखिए तो फोर्टी एट का एक्चुअली क्या है स्क्वायर है ये नंबर या फिर आप कह सकते हैं कि टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर का स्क्वायर रूट है फोर्टी एट तो हम ये भी यहां से देख सकते हैं बिल्कुल ओके और ये भी पता चल गया कि ये जो नंबर है यहाँ पर टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड सिक्सटी वन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसमें से क्या सेपरेट करना पड़ेगा तो इसमें से सेपरेट करना पड़ेगा ये ये वाला लिस्ट नंबर मतलब रिमाइंडर जो बच जा रहा है लास्ट में फिफ्टी सेवन ओके तो ऐसे हम सबको सॉल्व करेंगे चलिए ध्यान दीजिएगा अब करते हैं सेकेंड वी हैव हमारे पास नंबर है वन नाइन फोर फोर नाइन वन अब ये करना है यहाँ पे बना लीजिए ओके नाइनटीन में ले जाना है तो आप जानते है, पता है फोर से जाना पड़ेगा बिल्कुल फोर फोर जो सिक्सटीन हो जाएगा यहाँ पर जेगा थ्री और यहाँ से फोर फोर और यहाँ पे हो जाएगा एट एट का टेवल पढ़िए देखिए थर्टी फोर कितनी बार मारा है तो एट फोर जा थर्टी टू होता है तो फोर में चला जाना चाहिए फोर फोर जा सिक्सटीन का सिक्स टू एंड थ्री माइनस करिए तो फोर्टीन में से सिक्स जाएगा एट और यहां पे बचा थ्री से जीरो हो गया मतलब कि कैंसिल एट बचा यहाँ पे और नाइन्टी वन यहाँ पे क्या करेंगे उतार लेंगे नाइनटी वन अब यहाँ पे ऐड कर लीजिए मिलेगा एट्टी एट अब किससे जाएगा तो अब ये वन से ही जा पाएगा क्योंकि अब टू ले जाएंगे तो ज्यादा आ जाएगा बिल्कुल टू एंड्रेड सिक्सटीन हो जाएगा तो हमें हमेशा जो है जो यूजुअल मल्टीप्लिकेशन करते हैं जो यूजुअल हम डिवाइड करते हैं वैसे ही करेंगे लॉन्ग डिविजन मेथड में इस केस में क्या करना होता है जब सप्टेक्शन करना होगा तब बोलेगा कि कौन सा नंबर हम घटा दें इसमें से तो परफेक्ट उसका बन जाए जैसा कि मैंने शुरू शुरू में बताया आपको कि कोई भी नंबर जो है यदि परफेक्ट उसका नहीं होती है तो उसमें हम कुछ ऐड करके या फिर कुछ सेपरेट करके हम उसको परफेक्ट से बना सकते हैं तो यहां पर हम सेपरेट करके निकाल रहे हैं और सेपरेट करने के केस के में हमें रिमाइंडर को ही सेपरेट करना पड़ता है ठीक है अब जब ऐड करने की बात होगी तो वो आप क्वेश्चन थर्ड देखिएगा उसमें सारा क्लियर हो जाएगा आपको तो यहां पर हम वन से ले जाएंगे तो अब देखते हैं यहां पर एट एट वन मानस कर लीजिए ये वन वन जीरो हो गया और नाइन बन जाएगा वन टेन हो गया मतलब कि टेन इज दैट लिस्ट नंबर विच मस्ट बी फ्रॉम दिस नंबर टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, ओके तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि क्लियरली द रिमाइंडर इज टेन तो जैसे मैंने लिखा था पहले वाले क्वेश्चन में वैसे आप लिख लीजिएगा इसमें भी और मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है हैंस, हैंस, टेन इज द लिस्ट नंबर टेन इज द लिस्ट नंबर थोड़ा समय बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूं मैंने पहले वाले क्वेश्चन में लिखा है वैसे आप जो एक्सप्लेन कर सकते हैं मतलब यही एक्सप्लेन करना है कि टेन इज दैट स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्टेड फ्रॉम दिस नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर यदि हम टेन सब्रेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा सोचिए आपका तो आंसर ये हो गया इस क्वेश्चन का लेकिन एक्चुअली परफेक्ट स्क्वायर बनेगा क्या तो टेन माइनस करेंगे तो मिलेगा आपको वन नाइन फोर फोर नाइन वन माइनस टेन तो मिल जाएगा आपको वन नाइन फोर फोर एट वन ठीक है ये नंबर जो होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा किसका होगा तो यहां से फाइन कर सकते हैं यहां लिखेंगे फोर ये वाला फोर है और यहां पे फोर फिर से गया है तो फोर फिर से गया है फिर वन यहां पर एक बार गया है तो वन से लिखेंगे फोर वन का ये जो नंबर है वो स्क्वायर है या फिर आप बोल सकते हैं कि आप ऐसे लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ वन नाइन फोर फोर एट वन ये आएगा, आएगा आपका फोर फोर वन फोर हंड्रेड फोर्टी वन तो हम ये भी एडिशनल चीजें जान गए यहां पर लेकिन हमें मेन यहां पर आंसर क्या है टेन है चलिए इससे आगे बढ़ते हैं थर्ड वी हैव हमारे पास है ये टू सिक्स फाइव थ्री फाइव

सॉरी सॉरी सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन का नाइन फोर कैरी ओवर एंड सेवन टू जा फोर्टीन एंड फोर्टीन एंड फोर एटीन फिर से ज्यादा हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा अब यहाँ से सेवन से नहीं बल्कि सिक्स जाएगा सिक्स या थर्टी सिक्स का सिक्स थ्री कैरी ओवर एंड सिक्स टू जा ट्वेल्व ट्वेल्व एंड थ्री फिफ्टीन ओके मैनेस करिए फिफ्टीन हो गया फिफ्टीन सिक्स जाएगा नाइन हो जाएगा यहाँ पे बचा फाइव ख़त्म हो गया बिल्कुल ये थर्टी फाइव उतार लेंगे और यहाँ पे ऐड कर लेंगे मिलेगा आपको थर्टी टू अब थ्री का टेबल पढ़िए देखिए कि नाइन की आ रहा थ्री बार में आ जा रहा है बिल्कुल तो थ्री से चला जाना चाहिए लेकिन थ्री से ज़्यादा आ जाएगा तो हम क्या करेंगे थ्री से नहीं ले जा पाएंगे हम ले जाएंगे टू से एक हमेशा लेस ले जाना है इसमें तो टू से ले जाएंगे तो क्या मिलेगा टू टू जब फोर टू जोर एंड टू थ्री जिक्स माइनस करिए मिलेगा यहाँ पे वन और यहाँ पे हो जाएगा थर्टीन थर्टीन में से फोर जाएगा और यहां बचा 8, यहां बचा 8 में टू टू हंड्रेड नाइनटी वन तो यहां पर देखिए रिमाइंडर जो बचा है वो बचा है क्या टू हंड्रेड नाइन्टी वन एंड टू हंड्रेड नाइन इज द लिस्ट नंबर जो इसमें से यदि माइनस करेंगे, करेंगे तभी जाकर के ये जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर हो पाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा तो आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि क्या होगा ये दिस इज द रिमाइंडर सो फॉर दिस नंबर टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर वी वी शुड वी मस्ट सब्ट्रैक्ट 291 फ्रॉम दिस नंबर ऐसे लिखना पड़ेगा आपको उसके बाद से हैंस द लिस्ट नंबर इज द लिस्ट नंबर इज 291 ग्रेट तो ये हमारा हो गया आंसर अब यहां पर हम देखना चाहेंगे कि कौन सा नंबर ये मतलब कि ये कौन सा नंबर बनेगा एक्सपर्ट करने पर तो टू सिक्स फाइव थ्री फाइव में से माइनस करेंगे यदि आप टू हंड्रेड वन तो मिल जाएगा आपको फोर और यहाँ पे थर्टीन में से नाइन जाएगा फोर एंड यहाँ पे फोर हो गया फोर में से टू जाएगा टू और सिक्स एंड टू ये वो नंबर होगी जो परफेक्ट स्क्वायर होगी और ये जो है किसका किसका स्क्वायर है किसका इसका, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा यहां से निकलेगा वन यहां रखिए ये यह हो गया सिक्स एंड ये हो गया टू मीन वन हंड्रेड सिक्सटी टू का ये क्या है स्क्वायर है ओके okay. तो हमें बस आंसर तो ये लिखना है टू नाइनटी वन इसमें मैं एक्स्ट्रा थोड़ा बता दे रहा हूं चलिए अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट आपका है फोर्थ ये आपका वन सिक्स वन जीरो वन सिक्स वन सिक्स जीरो वन सिक्स वन सिक्स जीरो यहाँ पे बनाएंगे तो ये बनेगा और ये बनेगा और एक छूट जाएगा तो वन वन से वन मिल जाएंगे प्लस वन तो वन हो जाएगा ख़त्म हो गया ये सिक्सटी वन यहाँ पे उतार लेंगे अब वन वन क्या हो जाएगा टू हो जाएगा अब टू से देखेंगे कितने में जाएगा तो टू से टू थ्री जो सिक्स होता है थ्री ले जाएंगे तो थ्री से ज़्यादा आ जाएगा तो थ्री से नहीं बल्कि टू से ले जाएंगे टू तो टू ज फोर एंड टू टू ज फोर मनास करेंगे मिलेगा आपको इलेवन में से फोर जाएगा सेवन एंड यहाँ पर जो 5 फाइव फाइव में से फोर जाएगा वन सेवेंटी ये हो जाएगा फोर ऑन टू ट्वेंटी फोर यहाँ पर सिक्स जीरो उतर जाएगा अब यहाँ पर जो है अब ले जाना पड़ेगा टू एट जो सिक्सटीन होता है तो एट से ज़्यादा आ जाएगा मेरे ख्याल से सेवन जाना चाहिए सेवन करते हैं तो यहाँ पर आएगा सेवन जो फोर्टी नाइन का नाइन कैरी ओवर सेवन फोर जा ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट एंड फोर थर्टी टू का टू थ्री कैरी ओवर एंड सेवन टू जावनटीन बिल्कुल जा रहा है माइनस कर लीजिए टेन में से नाइन जाएगा वन फाइव में से टू जाएगा थ्री तो थर्टी वन आ गया तो थर्टी वन इज द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम सिक्सटीन थाउजेंड वन हंड्रेड सिक्सटी टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर तो यहां पे आंसर हो जाएगा हैंस द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सप्टेक्टेड फ्रॉम द गिवन नंबर इज थर्टी वन ओके अब चलते हैं नेक्स्ट ओके okay, तो अब करना है लास्ट फिफ्थ वन वी हैव यहां लिख लीजिए लीजिएीरो वन सिक्स टू फोर ओके अब यहां पेयर बना लेंगे तो बनेगा यहां पेयर और ये बनेगा और यहां बनेगा और ये नहीं बन पाएगा कोई बात नहीं है अब टू लिया यहां पर टू प्लस टू 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 जब फोर हो जाएगा एक एंसर हो जाएगा फोर्टी हम यहां पे उतार लेंगे और ये हो जाएगा टू टू फोर अब यहाँ पर हम नहीं ले जा पाएंगे फोर्टी में क्योंकि वन से ले जाएंगे तो आपका फोर्टी वन हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो पहली बार कहते थे टू से टू से पहली बार कहते थे अब जो है हमें जीरो बढ़ाना पड़ेगा जीरो बढ़ाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर तब जा करके हम आगे वाले पेयर को उतार सकते हैं सिक्सटीन उतार लिए अब यहाँ पर जाएगा नाइन से चला जाएगा नाइन नाइन जट्टी वन का वन एट कैरी ओवर नाइन जीरो जो जीरो हो जाएगा एट ही रखेंगे यहाँ पर और नाइन फोर जा थर्टी सिक्स मैनस करेंगे देखो सिक्सटीन में से सिक्स में से वन जाएगा क्या होगा और फाइव हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा इलेवन इलेवन में से एट जाएगा थ्री हो जाएगा यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर बचा नाइन सिक्स थ्री थ्री थर्टी फाइव हो जाएगा और ट्वेंटी फोर जो है हम यहाँ उतार लेंगे उसके बाद यहाँ एड कर लेंगे मिलेगा हमें नाइन नाइन एटीन और वन एंड फोर अब यहाँ पर देखिए फोर का ट्वेल्व पढ़ने पर फोर एट जा थर्टी टू होता है तो एट टाइम्स में चला जाना चाहिए या फिर एट टाइम्स में मेरे ख्याल से ज़्यादा आएगा तो हम सेवन टाइम्स में भी ले जाएंगे तो ओके एट टाइम्स में ले जाना पड़ेगा तो एट से ले जाते हैं एट एंड सिक्सटी फोर का फोर एट हंड्राउंड सिक्सटी फोर का फोर एंड सिक्स कैरी ओवर एंड एट हंड्रा सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर एंड सिक्स सेवेंटी का जीरो सेवन कैरी ओवर एट वन जो एट एंड सेवन फिफ्टीन का फाइव वन कैरी ओवर एंड एट फोर जा थर्टी टू एंड वन थर्टी थ्री माइनस करिए मिलेगा जीरो यहाँ टू में से जीरो टू ही आएगा और यहां पे जीरो जीरो हो गया तो ट्वेंटी गया हमें तो ट्वेंटी इज द ट्वेंटी इज द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम दिस नंबर ओके तो आप लिख लेंगे यहां पर कि हैं ट्वेंटी इज द लिस्ट नंबर विच must बी subtracted फ्रॉम the given नंबर थोड़ा तो हम देख लेते हैं कि सपरेट जब करेंगे ट्वेंटी ट्वेंटी हमारे यहां पे आंसर हो गया लेकिन हम यदि ट्वेंटी सबरेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें नंबर यहां पर देखिए फोर फोर जीरो वन सिक्स टू फोर है माइनस करेंगे ट्वेंटी तो मिलेगा हमें फोर 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 जीरो यहां से निकल जाएगा देखिए टू जीरो गया था, अब बार गया था दूसरी बार में तीसरी बार, बार में और यहां पे एट गया था लास्ट तो ये नंबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर ओके तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है यहाँ पर जो रिमाइंडर आ रहा है बस उसी को सबमिट कर देना है और वही जो है रिमाइंडर ही क्या है लिस्ट नंबर है जिसको सबमिट करना होता है तो दिस इज सिंपल क्वेश्चन यदि आप अभी तक देख रहे हैं तो जरूर एक लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा ताकि मैं जान पाऊँ कि आपने देखा है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय